What is the difference between solitude and isolation? अगर आप aspirant हो, so आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इस वीडियो में काफी कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेगी। एक बड़ी अच्छी लाइन है ना कविता का, करत करत अभ्यास को जड़मत और सुजान, है ना? होता क्या है कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। जो नहीं देखना चाहिए वो देखोगे, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनोगे, जो नहीं सोचना चाहिए वो तुम सोचोगे, और अल्टीमेटली आप भटक जाओ। अध्ययन मनन चिंतन। हाय एवरीवन, वेलकम टू करियर फिलोलॉजी यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग फिर से आ चुके हैं चाणक्य आईएएस एकेडमी का न्यू सेंटर पे, जो कि है बेली रोड में लोकेशन होने वाला है, राजा बाजार पिलर नंबर 25 के पास, रिलायंस ट्रेन्स के 3rd फ्लोर पे आपको ये इंस्टीट्यूट मिलेगा, जहाँ पे यूपीएससी बीपीएससी एंड सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी सुनहरा ऑफर है। अर्ली बर्ड ऑफर में आप लोग अभी यहाँ पर ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पर 25% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। आप इस सेंटर पर आएँ, और इसका जो भी डिटेल्स होगा वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप इसके ऑनलाइन वेबसाइट से भी विजिट होकर इसके बारे में जान सकते हैं। आप फॉर्म को फिल करके चाणक्य आईएएस एकेडमी में इनरोल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप सभी को बता दूँ, चाणक्य आईएएस एकेडमी के फाउंडर एंड चेयरमैन सक्सेस गुरु एके मिश्रा सर भी आए हुए हैं, और वो बच्चों के बीच में सेमिनार करने जा रहे हैं। सो बच्चों के मन में जो भी डाउट या फिर कोई क्वेश्चंस होगी उनको सर सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। आप कैसे लिखोगे, कितने कम शब्द में लिखोगे, और टाइम के मैनेज रखते हुए ये प्रैक्टिस है, एक्यूरेट ब्रीफ एंड क्लियर, ABC ऑफ राइटिंग। सो मैंने क्या कहा, ABC ऑफ थिंकिंग, ABC ऑफ लिसनिंग, ABC ऑफ स्पीकिंग एंड ABC ऑफ राइटिंग। नेक्स्ट, सबसे पहले ये समझना है कि जो प्रिपरेशन है उसमें जो पहली और सबसे इमीडिएट बात क्या आती है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, है ना? सबके दिमाग में आता है ना, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ये ओनली 20% ऑफ आपका वर्क है, बहुत बढ़ा दूंगा 25%। 25% चीज को जो सोचता है आप में से, सिर्फ हम पढ़ते जाएं, किताबें बढ़ा लें, मटेरियल बढ़ा लें, वो आप 25% प्रिपरेशन कर रहे हो। वो पढ़ना आपका किसी काम का ही नहीं है यदि आपने उस पर रुक करके सोचा नहीं तो। अध्ययन मनन चिंतन, 1.5 घंटे आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, अंडरलाइन करके पढ़िए, एक एक सेंटेंस को समझते हुए आगे चलिए, और दिमाग में हमेशा क्वेश्चन और सिलेबस को रखिए कि प्रीसेल्स के क्वेश्चन क्या, उसके बिना पढ़ना मत शुरू कीजिए। देखो क्या है, एक बड़ी अच्छी लाइन है ना कविता का, करत करत अभ्यास को जड़मत और सुजान, है ना? होता क्या है कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। इसको भगवत गीता में लॉर्ड कृष्ण ने मन को समझाने के लिए बड़ा, यदि अपने कोई सीरियल देखा हो तो उसका पिक्चराइज भी बड़ा अच्छा किया हुआ है, खास करके जय श्री कृष्णा में बड़ा अच्छा लगा मुझे पिक्चराइज। आपका मन है 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, ठीक है ना? अब ये 5 ज्ञान इंद्रियों को यदि आपको चलाना नहीं आया तो मन भटकेगा। जो नहीं देखना चाहिए वो देखोगे, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनोगे, जो नहीं सोचना चाहिए वो तुम सोचोगे, और अल्टीमेटली आप भटक जाओगे। लेकिन नवजात घोड़ा जैसे होता है, न्यू बॉर्न हॉर्स, तो जब उसका सवारी उसको बार बार उसको कंट्रोल करता है तो फिर क्या है, वो इसी पर हॉर्स राइडिंग शुरू करता है। तो मन भी उसी प्रकार से, मन को आपको उसके स्वामी आप हैं। आप मान के चलिए कि मन चंचल है, आप मान के चलिए कि मन जो हमेशा नीचे गिरता है, मन के स्वभाव है नीचे गिरने का, कि मैं यहीं ठीक हूँ, कम ही काम करूँगा, आराम करूँगा, आलस करूँगा, ये मन का स्वभाव है। आपको समझना है कि इसको मुझे उठाना है, नो यू कैन डू इट। और वो कैसे आएगा, इंटेलेक्ट से, जब ये किसी अभिज्ञान की बातें सुन रहे हैं या पढ़ेंगे, ये उठाएगा आपको कि ऊपर कि मन को कैसे उठाते हैं, है ना? ठीक है, इसको उठाना है। इंग्लिश में एक किताब है, यदि आप लोग पढ़ सकें तो पढ़िएगा, जिसका कहते हैं एज यू थिंक, एक किताब का नाम है, एज यू थिंक है, अमेजन वगैरह भी मिल जाएगा, इससे बड़ी पतली सी किताब है, एज यू थिंक। थॉट्स कैसे होते हैं, जैसे मान लो कि कोई जमीन है आपके आसपास में, अब उसमें या तो आप जो मर्जी आए सीड फेंकते जाइए तो क्या बनेगा, एक दिन झाड़ी बन जाएगी। कुछ खाया, आम फेंक दिया, कुछ और भी दाने फेंक दिए, कुछ और फेंक दिए, एक दिन वो झाड़ी बन जाएगी। लेकिन उसी जगह को यदि आपने जगह जगह पर क्या प्लांट करना था, इरीगेट कैसे करना था, तो आपका ब्यूटीफुल गार्डन बन जाएगा। हमारा दिमाग इतना उपजाऊ है कि गलत चाहते हैं वो भी उपज जाता है, और गलत अच्छे करेंगे वो भी उपजता है। हमें सीखना चाहिए कि अपने माइंड में अपने ज्ञान इंद्रियों को इस्तेमाल करते हुए क्या प्लांट करना है।
ये एक अभ्यास है, नॉट ओनली फॉर आईएएस, आपकी ज़िंदगी को उसको खूबसूरत बनाने में, सार्थक बनाने में, सक्सेसफुल बनाने में, ये आपको बहुत बड़ी एक्सरसाइज है जो आपको करना चाहिए। आप अकेले में कितना समय लगा करके ये करते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉलिट्यूड एंड आइसोलेशन? अकेलापन और एकांत में क्या फर्क है, कौन बताएगा? हाँ, एकांत में चॉइस है और अकेलापन चॉइस नहीं, रैंडम आता है। अकेलापन में मन बाहर भटकता है, तलाश करता है कि कोई व्यक्ति मुझे ज़िंदगी में सुख देता, खुश करता, लोग मुझे समझते तो कितना अच्छा होता है। एकांत में मन अंदर आता है, अपने ब्रह्मांड को ढूंढता है, कहता है आई एम द अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ गॉड, मेरे सब कुछ तो मेरे अंदर ही है, शांति भी मेरे अंदर है, सुख भी मेरे अंदर है, राइट? एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने बनाया, उसको देखिएगा, आपको लगे कि मन की शांति सबसे बड़ा धन, मन का धन शांति, मन की जो शांति वही सबसे बड़ा धन। उसमें मैंने ऐसे स्टोरी बताता हूँ, एक बार क्या होता है कि एक राजा जो है सब कुछ समृद्ध होने के बाद भी कहता है मेरा मन शांत नहीं रहता, परेशान रहता हूँ, तो अपने एक एडवाइज़र को पूछता है कि मैं क्या करूँ, तो बोलता है कुछ मत करो, एक काम करते हैं, जितने हमारे चित्रकार हैं, पेंटर हैं, सिर्फ उनको बुलाते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई मन की शांति कैसे होगी, उसके ऊपर चित्र बनाओ, पिक्चर बना कर के कोर्स में करो, और जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड अवार्ड उनको दिया जाएगा। ये कॉम्पिटिशन एक महीने का रहता है, लोग सब जमा करते हैं, उसमें तीन पेंटिंग को चुना जाता है, तीन पेंटिंग जो उसको लाया जाता है, एक को फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जिसको थर्ड अवार्ड मिला वो था जिसमें कि चारों ओर ग्रीनरी ग्रीनरी थी, चार पहाड़ी सुंदर, चिड़ियाँ उड़ रही हैं, एकदम स्तब्ध शांति, उसको दिखाया गया। दूसरे जिसको सेकेंड मिला उसमें ढेर सारा स्नोफॉल दिख रहा था, पहाड़ी था लेकिन स्नोफॉल है ना, बिल्कुल उसमें भी स्तब्धता दिखती है। लेकिन जिसको पहला अवार्ड मिला उसमें दिखाया गया कि बाहर में तूफान ही तूफान है, बिजली कड़क रही है, और उसके बीच में एक कॉटेज है, और कॉटेज की खिड़की के पास एक व्यक्ति खड़ा होकर बाहर देख रहा है। तो बड़ा हंगामा हुआ कि भाई इतना खूबसूरत पेंटिंग नेचर का मिला, पहाड़ी का मिला, इसको थर्ड बना दिया गया, दूसरा भी पेंटिंग है जो भी बड़ा स्तब्ध था उसको भी, और ये फर्स्ट क्यों दिया गया? तो उसका जवाब में जब जजेस ने कहा कि जो थर्ड पेंटिंग है वो सिर्फ पर्वत और शांति है, वो तो है ही, दूसरा है जिसमें स्नोफॉल है वो भी तो कुदरत में है ही, इम्पॉर्टेंट तीसरे पेंटिंग को ध्यान से देखो कि बाहर के चारों ओर तूफान मचा हुआ है, लेकिन जो व्यक्ति खिड़की में देख के उसको देख रहा है एकदम शांत भाव से देख रहा है, जिसका इम्प्लीकेशन ये है कि ज़िंदगी में आप बाहर की परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, लेकिन उसमें आप अपने कैसे ढालते हो और मन को शांत रखते हो, ये आपकी असल शांति का कारण बनता है, राइट? तो जरिए तुम ये सोचोगे कि मैं पूरी दुनिया बदल जाए तब मैं ठीक हो जाऊंगा, या सब कुछ ठीक हो जाए तब मेरी ज़िंदगी में खुशी आएगी, तो वो कभी नहीं आएगी। वो मन की शांति खुशी आपके अंदर है, चॉइस है, इसको एटीट्यूड कहते हैं, रिस्पॉन्स। एटीट्यूड इज नॉट कि कह दे तुम्हारे एटीट्यूड, इज रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन। जैसे हम परिस्थिति में जाते हैं उसके प्रति हमारी धारणा क्या है, एक ही जगह पे इंसान कोई नेगेटिव हो जाता है, वहाँ पॉजिटिव हो जाता है, ये इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं किया, रीडिंग थिंकिंग लाइसिंग राइटिंग, जो एक्सरसाइज नहीं किया, वो एक्सरसाइज करोगे तो नहीं दिक्कत आएगी, क्योंकि क्या है ना, एक है कि रोज जाके कुश्ती खुद एक्सरसाइज दंड बैठक कर रहे हैं, पर कभी अजमाए नहीं कि हम इसका वैल्यू, तो कैसे पता चलेगा तुमको? यहाँ तो सेम डे करवा रहे हैं ना आपसे, उसी समय ऑन द स्पॉट कि याद है या नहीं है, डेढ़ घंटे के बाद आप रिकॉल कर लो ना 15 मिनट में, आगे क्या छोड़ना है उसको, तुरंत उसी समय देखो, नहीं है दोबारा पढ़ो उसको, लेकिन उसको तब तक मत छोड़ो जब तक कि कुछ सेव ना हो जाए, इसलिए दिक्कत आ रहा है। ये टेक्निक में प्रॉब्लम है और कोई दिक्कत नहीं उसमें। और जो है वो इसलिए नहीं कर पाती होगी क्योंकि टाइम, एक तो टाइम मैनेज होता ही नहीं, पहले समझो हम मैनेज अपने आप को करते हैं, टाइम इज ऑलवेज फ्लाइंग, वो रोटेशन में चल रहा है, सनराइज होगा, सनसेट होगा, संडे तो चल रहा है, चाहे 50 घड़ी रख लो, सिस्टम बना लो, कुछ नहीं होगा। कैसे होगा? वो जो फॉर्मूला बताया, आज से ट्राई करो कि सर ने कहा 8 घंटे से ज़्यादा मत सोना, तो रूल बन जाना चाहिए कि 8 घंटे, 9वां घंटा चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं होगा, लेकिन मैंने आज़ादी दे दी आपको, 6 घंटे से 8 घंटे सो सकते हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे आपकी मन में शांति आएगी, मजबूती आएगी, आप करो। लेकिन
हमने कहा कि 8 घंटे से ज़्यादा नॉर्मल एक्टिविटी मत लगाना, दोस्त से मिलना है, फ्रेंड से मिलना है, माँ पिताजी से बात करनी है, कोई क्वालिटी वीडियो प्रोग्राम देखना, देखो कोई दिक्कत नहीं, बट वो 8 घंटे के अंदर ही एक्सरसाइज करो, 8 घंटा फिक्स कर दो कि मुझे ये तो करना है। तो वो डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। थोड़ा कष्ट होगा शुरू में, मुश्किल पड़ेगा कि आपको चारों बाहर से डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, बट आपको कसना ही होगा। और एक हैबिट जो है पढ़ने के, जिनके नहीं है मान लो लंबे समय तक, उस हैबिट को ठीक करने का एक तरीका है कि कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ना चाहिए पहले। जैसे मान लो नॉवेल पढ़ने की आदत है, आदत डालो कितने लंबे समय तक पढ़ सकते हो, फिर उसको तुरंत ट्रांसफर कर दो उस आदत को किताब पढ़ने में। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग करियर फिनोलॉजी, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ आप सभी के बीच में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।